नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। टोली चौकी सात गुम्बद जय हिंद कॉलोनी में रहने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम नजीर अहमद, जिनकी उम्र 55 साल है, उन पर दिन दहाड़े कुछ नामालूम अफराद ने खातिलाना हमला कर दिया। मिनी गुलशन कॉलोनी में वो नमाज जुमा अदा करके निकल रहे थे कि अचानक कुछ नामालूम अफराद ऑटो में सवार थे, तभी अचानक वो तेज धार हथियारों से हमला कर दिए। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है और उन्हें ओलिव हॉस्पिटल में जेर इलाज है। आखिर क्या हो रहा है तेलंगाना में? पुलिस को चाहिए कि उन जैसे गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और टोली चौकी से गोलकुंडा जाने वाली रोड पर हर ऑटो वाला गांजे का नशा करता है। पुलिस को चाहिए कि उनकी गाड़ियों को पकड़कर जेल भेज देना चाहिए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दो अनजान आदमी खातिलाना हमला किए 2 बजे के टाइम पे मिनी गुलशन कॉलोनी के पास ऑटो में आए, अचानक सडन और बड़े बड़े चाकू लेकर खातिलाना हमला करना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं वो, उनका कंडीशन सीरियस है और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो अभी तक होश में है। वजह क्या है सर ये हमले की? वजह अभी तक मालूम पता नहीं। आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। रियल एस्टेट का बिजनेस जी? रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं क्या? बिल्डर हैं। किसी भी शक वगैरह आपके नहीं? आपके वाले साहब से नहीं, किसी की दुश्मनी इतनी ज़्यादा भी नहीं हो सकती कि किसी की जान ले जाए। जी कहाँ हुआ है? मिनी गुलशन कॉलोनी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।